सब्सक्राइब कीजिए मैड अबाउट एड चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजू और मैड अबाउट एड में आपका स्वागत है। सो गाइस, पहले जब हम पिक्सर में एडिट करते थे तो जो स्किन टोन की बारी आती थी, जब हम स्किन टोन को थोड़ा सा स्मूथ करते थे या फिर स्किन को स्मूथ करते थे, तब हम जो स्किन टोन का है वो यूज़ करते थे, है ना। तो आज हम कुछ ऐसे आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जो आपको जो स्किन में जो पिंपल होता है ना उसको आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और आप बहुत ही आसान से अपने जो स्किन है उसको बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी में उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना एक पिक्चर्स ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि जिसमें बहुत सारी पिंपल होगा और दिखने में भी ख़राब लगेगा, ठीक है। तो ऐसे मैं एक पिक्चर्स ओपन कर लेता हूँ, मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेने के बाद जैसे मैं सिर्फ आपको फेस को दिखा रहा हूँ, ठीक है, फेस के पार्ट को। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, शॉर्ट टाइप में मैं आपको दिखाऊँगा और पूरा वीडियो को आप देखना। तो आप देख सकते हो मेरे जो फेस है इसमें बहुत सारे पिंपल है, ठीक है ना। तो इस फोटो को हम बनाएंगे, तो पहले हम करते थे इस ब्यूटी में जाते थे, ठीक है, जाने के बाद या फेस ठीक और अपने हिसाब से हार्डनेस और उसको थोड़ा एडजस्ट करके अपने जो है तो उसमें चला लेते थे ऐसे ब्रश को। तो इसमें आप देख सकते हो जो हमारा मतलब फेस है वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है, ठीक है, और अगर होता भी तो एक मतलब फेड तरीके का एक कैसे लेयर बन जाता है हमारे ऊपर, है ना, देख सकते हो। तो अगर आप इसको एकदम यहाँ जितने भी टिप्स हैं ना सभी को आप यूज़ करके देख लेना, और जो मैं टिप्स बताऊँगा आपको आप एक बार वो भी यूज़ करके देख लेना, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। तो जो टिप्स है वो पहले मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा सजा लेता हूँ, ठीक है, लाइक पहले हम कलर में जाएंगे और लाइट को ज़्यादा करके बालों यहाँ से हम हटा लेंगे पहले। तो इतना करने के बाद मैं इधर से कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद लगभग हो गया है, थोड़ा सा बाकी है लगभग इतना, हाँ जी। इतना करने के बाद आप बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर ले, ठीक है, इससे DSLR वाली लुक आएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही पिक्सआर्ट्स एडिटिंग, फोटोशॉप एडिटिंग, और अगर आप लोग सीखना चाहते हो फोटोशॉप तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं एक फ़ोटोशॉप का न्यू सीरीज़ लाऊंगा, उस पर आप फोटोशॉप सीख सकते हो, ठीक है, एकदम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इजीली फ़ोटोशॉप सीख सकते हो, और अगर कोई जानता है फ़ोटोशॉप तो उसके लिए भी है कि मान लो वो किसी एक टूल के बारे में या फिर किसी इफेक्ट के बारे में नहीं जानता है, तो इफेक्ट वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उस इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो लाऊँगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बैकग्राउंड भी ब्लर हो गया, अब पे हैंग हो रहा है, हाँ जी हो गया। अब स्किन टोन की बारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हमारा ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट कर लेते हैं स्किन में, ठीक है। तो आजा भाई, हाँ जी आ गया।
अब थोड़ा सा हम स्किन की जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट कर लेंगे, जैसे हेडलाइट को थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ से हेडलाइट को थोड़ा सा हाई करेंगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डाउन करेंगे। तो इतना करने के बाद हम जितना सारा इफेक्ट है वो हमारे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसको आप ध्यान से देखना, तो आप किसी भी फेस को, किसी भी कैसा भी हो, आप उसको इजीली स्मूथ कर सकते हो, ठीक है ना, और बहुत ही एकदम रियल लगेगा, ठीक है। तो अब आती है असली ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिल्टर में जाना है और यहाँ से ब्लर में, ठीक है, और थोड़ा सा आपको ब्लर ले लेनी है, लगभग आप एडजस्ट कर लेना अपनी स्किन के हिसाब से, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना, लगभग इतना ले लेंगे, ठीक है। और अब हमें इरेजर पे जाना है और हटा देनी है ब्लर, ठीक। और अब जहाँ जहाँ आपको टोन चाहिए आप सिर्फ वहाँ वहाँ ब्लर को दे देना, ठीक है। और ब्लर करने के बाद आप लोग मैजिक देख सकते हो, मैजिक मतलब ऐसा स्किन टोन आएगा आपके फेस में। और एक बात, इस ब्लर टोन को यूज़ करते समय आप लोग एक ध्यान रखना कि पूरे फेस पे मत दे देना, ठीक है, ताकि पूरा फेस ही आपका ब्लर ना हो जाए, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको मतलब ब्राइटनेस चाहिए, मतलब स्किन टोन चाहिए, सिर्फ वहाँ देना, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ, आप एक एक पार्ट देखते जाइए आराम से और आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं झट से कर लेता हूँ यहाँ पे कंप्लीट, और बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। असल में क्या होती है, हम जब फोटोशॉप में एडिट करते हैं ना, तो ज़्यादातर हम ऐसे ही एडिट करते हैं, कभी कभी अगर स्किन टोन लाना हो तो उस पर हम सिलेक्ट करते हैं अपने फेस को, और सिलेक्ट करने के बाद उस पर हम ब्लर ले लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है हमारा जो डिटेल है ना फेस का वो बहुत ही मतलब अच्छा आ जाता है। तो अब आप देख सकते हो हमारा फेस है ना, मतलब कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया हमारा फेस का। अब जो है यहाँ थोड़ा थोड़ा सा जो स्पॉट रह गया है उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से ड्रॉ टूल में, राइट। और ड्रॉ टूल में जाने के बाद जो हमारा ब्रश है उसका हार्डनेस को हम कम करेंगे, ठीक है, लगभग इतना। और हम जाएंगे कलर में, ठीक है। तो यहाँ से स्किन का जो ब्राइटनेस एरिया है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे लाइक इतना, और करने के बाद यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद हम पूरे फेस पे जो है ले लेंगे आराम आराम से, जहाँ जहाँ से हमारा ज़रूरत हो, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट में मत देना, जहाँ आपका ज़रूरत हो सिर्फ वहाँ ही देना है, ठीक है ना। तो मैं झट से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, वो इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके इसको बड़ा कर लेते हैं, हमारे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और यहाँ थोड़ा और गाइस, आप लोग वीडियो को के नीचे कमेंट नहीं करते हो, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा, या फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल कैसे लाऊं, कौन से टॉपिक के ऊपर लाऊं, तो क्या होगा आपको भी कुछ सीखने को मिलेगी। और ऐसे क्या होता है, मैं भी वीडियो ला रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, आप लोगों को पता नहीं सीखने को कुछ मिल जाए या फिर नहीं, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और अब हमें इसको थोड़ा सा कम कर देनी है, लाइक इतना इतना, ठीक है। और जब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सॉरी, इसका हार्डनेस को हम कम कर लेंगे इसका, ठीक है। और इसके जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है उसको हम हटा देंगे यहाँ से, एंड इतना करने के बाद डन कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो फेस है आप डिफरेंट देख सकते हो, पहले में और अब में कितना, मतलब जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो चुका है, ठीक है ना। तो अब देख सकते हो ब्लर जो टूल है ना वो बहुत ही काम का है। तो अब आप जब भी कोई एडिट करो तो आपका जो
ब्लड टूल है, उसको आप आराम से यूज़ करना, ठीक है। और आई होप कि आपको ये छोटा वाला वीडियो अच्छा लगेगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि वेवे हमारा ख़त्म हो चुका है, तो और कुछ दिनों में जो हमारा रिज़ल्ट है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी देख रहा हूँ किसने कितना ज़्यादा शेयर किया है उस वीडियो को, सो आगे आप इस चैनल पर बने रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अभी मैंने हमारे फेसबुक पेज में मैं टेक्स्ट PNG या फिर लाइट PNG अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी PNG हो उसका आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से फॉलो कर सकते हो।